शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुलसी भाऊजी, आपसे कुछ बात करनी थी। नेता हो तो बात ही तो करोगे, कुछ काम धंधा तो तुमसे होगा नहीं। बोलो बाबूजी। वो फाल्गुनी जी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। हाँ तो पत्नी से प्रेम प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है। करो करो करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं बाबूजी, मेरा मतलब है कि आपको हमसे जितना मर्डर करवाना है करवा लीजिए, कत्लेआम कर देंगे हम। लेकिन फाल्गुनी जी, वो उनसे खून खराबा मत कराइए बाबूजी, प्लीज। क्यों, तुम्हारी पत्नी जी दूध की धुली हैं? देखते नहीं घर की पॉलिटिक्स में सबसे आगे हैं वो। बाबूजी, किचन पॉलिटिक्स तो हर औरत के स्वभाव में होता है। जेठानी से रिश्या, थोड़ा मन मुटाव ना हो तो वो काहे की औरत, पर किसी का मर्डर बाबूजी, इतना बड़ा पाप मत कराइए फाल्गुनी जी से, प्लीज। मतलब पूतना गोकुल जाने से मना कर रही है और कंस को समझाने के लिए अक्रूर को भेजा है। पर अक्रूर जी, आपकी ये समझदारी तब कहाँ चली गई थी जब आप कथावाचक की बेल कराने गए थे। बाबूजी, हमसे गलती हो गई और उस गलती की सजा आप जो भी देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं बाबूजी। इस बुढ़ापे में बेटे की गलती ही तो सुधार रहा हूँ बेटा। सबको ये बताना जरूरी है कि त्रिगुण से तुलसी धाम तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन कोई न छीन सकता। प्लीज बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। हमें एमएलए नहीं बनना है बाबूजी, हमें तो बस फाल्गुनी जी की आंखों में खुशी देखनी है। तो कहिए अपनी फाल्गुनी जी से कि वो मेरा ये काम खुशी खुशी कर दें, क्योंकि अगर वो त्रिगुण की पूतना न बने तो इस घर से उसकी अर्थी उठेगी और इस घर में एक बार फिर डोली आएगी, आपकी दूसरी पत्नी की डोली। इसलिए तुलसी भी मरेगी, मेरी पूतना अर्थात फाल्गुनी के हाथों। तो तुमने रोका है सुगंधा की पुकार को? हाँ, हम तुम्हें उस बालक तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। नाथों का नाथ भैरव नाथ हूं मैं, मरे हुए को जिंदा कर दूं और जिंदा को मार दूं। अगर तूने मुझे उस बालक का पता नहीं बताया तो तुझे भी शमशान पहुंचा दूंगा। तुलसी, ये पैरों ना दे, आप क्या कर रहे? माँ, आप अंदर जाइए, हम बात कर रहे हैं। नहीं तुलसी। माँ अंदर जाइए। माँ, जो अपनी मृत्यु से नहीं डरते ना, उन्हें अपनी माँ की मृत्यु से डर लगता है। अरे मूर्ख कन्या, क्यों अपनी माँ को इतना दुख दे रही है? उस तक पहुंचना ना पहुंचना मेरा काम है, तू केवल उस बालक का पता बता। मा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले उस बालक का पता बता। वो दिव्य बालक पृथ्वीलोक में है। पृथ्वीलोक में है। अच्छा, तो वो पितृलोक में है। माँ ठीक तो है?
शिव का वो रूप, वो अवघड़ बालक पितृलोक में है, लेकिन उसे तो धरती लोक पे होना चाहिए था, वो पितृलोक में छुपा हुआ है। उस बालक की आत्मा को अपने वश में करके काल भैरव का ये भक्त भैरव नाथ बन जाएगा महाकाल। ठहरो, अपने जीते जी हम तुम्हें उस बालक तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। मतलब ये कि तू दूसरे के मामले में टांग अड़ाना नहीं छोड़ेगी, लेकिन तू ये सब तब करेगी जब इस घर से बाहर निकल पाएगी। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।